फ्रेंड्स, मैंने अपना लास्ट वाला व्लॉग यहीं पर एंड किया था। जैसे कि आपको पता है कि हम खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए निकले हुए हैं। हम लोग अपनी इस जर्नी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी सारा पैदल चलना पड़ रहा है और आगे की जर्नी में हमें देखो किस तरह से ये जर्नी आगे की हम करते हैं, वो आप हमारे साथ बने रहेंगे और एंजॉय करते रहिए। मैं मंदिरों में ज़्यादा नहीं जाती, लेकिन इस मंदिर का बहुत ज़्यादा सुना था तो मैंने कहा चलो चलते हैं, तो देखते हैं हमारे दर्शन कैसे होते हैं, हमें खाटू श्याम जी का दर्शन करके कितना आनंद मिलता है। ऑटो की सवारी तो हम लोगों को बोलते बोलते आधा किलोमीटर की जगह 2 किलोमीटर का रास्ता अभी और है, तो नहीं है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पहले बोला था। हाँ, 1.5 करने के बाद आधा और बचा था, उसका 2.5 और है, 2 या 3 भी है। ओ, मतलब हम कितना किलोमीटर चलने होंगे? 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चले होंगे, 2 किलोमीटर से थोड़ा कम। तो चलो हिलते हिलते बोलते तो है। वाह भैया, खाटू श्याम जी जाते जाते झूला भी झुला रहे हो। पैसे लिए ना। सारा कुछ ही होगा ना इसमें। अच्छा, इतने पैसे में हम तेरे आपको खाटू श्याम जी छोड़ते, ऐसे कैसे? अब तो झूला भी देंगे आपको। खाटू श्याम जी जाके धन्यवाद नहीं करोगे भगवान जी? आपने मौत के मंजर देखने से पहले ही बुला लिया। सब लोग जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत चल रही है आज। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं और यहाँ पर लाइंस बहुत लंबी हैं और काफ़ी लंबा पैदल चलना पड़ रहा है और काफ़ी देर तक लाइन में खड़े होने की वजह से थक भी रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। तो देखिए कितना रश है और मेरे को अभी तो कारण नहीं पता कि इतना रश क्यों है, क्योंकि सुना है मैंने कि जल्दी दर्शन हो जाते हैं, लेकिन हम जब से आए हैं तब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मतलब बहुत भीड़ है और बहुत लंबा रास्ता कर दिया है। मतलब जो दर्शन करने का रास्ता है, जो छोटा था उसको बहुत लंबा कर दिया गया है। तो मालूम करते हैं कि कारण क्या है कि आज इतना टाइम क्यों लग रहा है। फ्रेंड्स, हम इतनी देर तक लाइनों में लगे रहे, धक्के खाते रहे और इतनी देर तक खड़े रह के धीरे धीरे चलते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और जैसे ही मंदिर के किवाड़ के पास पहुँचे, हमें दर्शन भी ठीक से नहीं हुए और फटाफट गार्ड वहाँ से हटा रहे थे क्योंकि रश इतनी थी। तो मैं तो पहली बार आई थी और मैं प्रतिमा को भी नहीं देख पाई। प्रेयर करना तो दूर की बात है। रास्ते में लोगों की श्रद्धा देखते हुए बनती थी। देखिए कितने बुजुर्ग इंसान हैं लेकिन दर्शन के लिए जा ही रहे हैं। मतलब इतनी मान्यता है इस मंदिर में, तो सब लोग जाना चाहते हैं मंदिर में। तो फ्रेंड्स, दर्शन हमने कर लिए थे और काफ़ी देर हो गई वहाँ से निकले को। हमारा एक्चुअली में इरादा जो था वो हवा महल जाने का था। हमें जयपुर में हवा महल जाना था, लेकिन आज का जो हमने ये ट्रिप बनाया था ना, ये बहुत ही अजीब सा बना क्योंकि हम लोग सुबह थोड़ा सा लेट तो हो गए, यहाँ पर पहुँच गए थे हम लोग टाइम पे, लेकिन संडे के दिन इतना रश था कि कुछ कहने की हद नहीं। और दूसरा, मंदिर का ना सैटरडे को और संडे को कुछ मंदिर का रास्ता, जो मंदिर तक पहुँचने का रास्ता, वो काफ़ी लंबा कर देते हैं और इतना ज़्यादा रश होने की वजह से मंदिर के दर्शन करने के लिए हमको 1 घंटा लाइन में लगा रहना पड़ा। इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा पैदल चले कि गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी थी, उसके बाद हमने सोचा पास है, पहली बार आई थी तो मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी। तो गाड़ी पार्क करने के बाद हमको इतना ज़्यादा पैदल चलना पड़ा, 1-2 किलोमीटर पैदल, उसके बाद ऑटो करा, उसके बाद फिर पैदल चले। तो बहुत थक गए थे और लेट हो जाने की वजह से हम जयपुर जाने का हमारा प्रोग्राम जो था वो कैंसिल हो गया, तो हम हवा महल नहीं देख पाए, तो वापस दिल्ली जा रहे हैं। तो सच पूछो तो आज का दिन सारा ही बेकार हो गया। मतलब
मजा नहीं आया, क्योंकि इतनी दूर से जिस मंदिर के दर्शन करने के लिए हम लोग आए थे वो इतने रश में, और मंदिर को देख भी नहीं पाई, मैं देख भी नहीं पाई कि किस प्रतिमा अंदर जो लगी है वो किस तरह की है, बिल्कुल ही नहीं। वहाँ पर जुगाड़ से वो धक्के मार के उन्होंने निकाल दिया उसी वक्त, मतलब प्रसाद भी नहीं चढ़ाते, कुछ भी नहीं करते, तो सिस्टम बहुत अजीब हो गया है। और सच मानो तो प्रशासन ने ना बहुत गंदी व्यवस्था करी हुई, लोगों ने परफ्यूम चढ़ाए हुए थे, परफ्यूम मतलब इत्र चढ़ाते हैं ना वहाँ पर छोटे छोटे शीशियों में, वो इत्र रस्ते में फेंक देते हैं और कांच जगह जगह बिखरे पड़ते हैं, नंगे पांव सब लोग होते हैं, किसी को चुभ जाए वो भी डर होता है। तो और दूसरा मतलब दर्शन में भी कुछ मजा नहीं आया मुझे, तो थोड़ा सा मूड स्पॉइल हो गया आज मेरा। खैर ऐसा होता रहता है, फिर किसी दिन सही, फिर किसी और जगह सही, है ना। बच्चों सारे जने आ जाओ फ्रेम के अंदर, आज मैं तुमसे कुछ पूछने वाली हूँ, जो बात है मेरे को क्लियर नहीं है, अभी तक क्लियर नहीं है। तुम तीनों एक ही स्कूल में पढ़े हो जैसे कि, है ना, तो तुम लोग नर्सरी से इकट्ठे पढ़े हो तीनों जने? बिल्कुल। तो शार कनिका और करिश्मा, शार का तो नहीं पता बट कनिका और मैं तो नर्सरी से साथ में है, तो शार मैं इनके सेक्शन में नहीं था, मैं अलग सेक्शन में था, सी सेक्शन में, और हम दोनों ए सेक्शन में थे। तुम क्या नर्सरी से, तो सेक्शन सेम ही रहता ना, कनिका और मैं ए सेक्शन में थे और हम सेम डेस्क पे बैठते थे, सेम रोल नंबर भी आगे पीछे आते थे हम लोगों के, कोई बीच में आया हमारे को। तो मेरे को एक बात बता, तो ये कहां से तुम्हें 11th में जाके मिला तुषार? हां 11th वो खड़ी थी 11th क्लास हमारे लिए जब हमारे सेक्शंस अलग हो गए, और तब हमें हमने पहली बार तुषार को देखा पहली बार तुषार हमें पता ही नहीं था, हमें की बात नहीं है, करिश्मा मेरे सेक्शन में आई थी, हमारे करिश्मा थी हमारे बैच में, कनिका मेरे सेक्शन में नहीं थी, हमारे बैच में तुषार नाम का कोई लड़का। अच्छा बाय द वे मैं एक चीज बताऊं, मैं कन्फेशन कर रहा हूं, मैं जब ई में था ना मुझे बिल्कुल अच्छा लगता था ई में, मेरे सारे दोस्त सी सेक्शन में थे स्टिल, ठीक है, बट मैंने ऐसा बहलाया फुसलाया उनको, मेरे कम से कम 6 से 7 दोस्त मैंने सी से ई में लेकर आ गया। सिद्धार्थ सी में था, ई में आया, दो तीन जो चार दोस्त और थे वो सारे के सारे ई में आ गए। तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे पास अथॉरिटी होती थी? नहीं, बहुत जिद की थी, जिद की थी। राहुल ने भी, राहुल भी उसको भी सी में दिया था, सर प्लीज मेरे से नहीं होगा, सर मेरे से नहीं होगा, सर मैं पढ़ी नहीं पा रहा, सर ई की टीचर थी, ई की टीचर थी, फिर आ गए। So, 11th क्लास में हम मिले, तो फिर आगे तुम्हारी बॉन्डिंग कैसे हुई इतनी स्ट्रॉन्ग कि तुम आगे तक दोस्त? मुझे करिश्मा सुंदर सी लड़की लगी, सुनो मैं बता रहा हूँ, नहीं मुझे करिश्मा सुंदर सी लगी, ये फ्रंट डेस्क फर्स्ट डेस्क पे बैठती थी ना करिश्मा, फर्स्ट डेस्क पे बैठती थी ना, सेकंड डेस्क, फर्स्ट या सेकंड डेस्क पे बैठती थी। मेरी जो पार्टनर थी कनिका वो और मैं, वो मेरे को बहुत ज्यादा दुख का पल था क्योंकि हम नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक साथ में थे, एंड 11th में हम बिल्कुल सेपरेट हो गए। तो फर्स्ट सेकंड डेस्क से क्या मतलब है? तो आई गॉट अ लिटिल, होता है ना अपने ग्रुप का मेंबर एक दूसरी जगह चले जाए एंड फिर नए फ्रेंड्स बनाओ, वो वाला एफर्ट। अच्छा तो मतलब जैसे तेरी मतलब ज्यादा गर्ल्स फ्रेंड ही होंगी ना, तो बॉयज गर्ल्स थी, गर्ल्स भी थी, लड़के से पता है इसको, यही नहीं पता था कोएड स्कूल है, इसको लगा था हम गर्ल्स स्कूल में। अच्छा ये तो मेरे को देख के पता लगा, मैं इसके पास आया, मैंने से बातें करनी शुरू करी, मुझे लगी ये तो सुंदर सी लड़की है, ठीक ठाक है बातें करूं, वो मेरे ख्याल से 15 मिनट के बाद ही मैंने समझ लिया इसका स्क्रू ढीला है, बिल्कुल भगवान का सम, एग्जैक्ट यही चीज हुई मेरे साथ, हुई नहीं कुछ नहीं, मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ नहीं इस लड़के से, तो अरे चल चल, क्योंकि ही विल लाइक मेरा टाइम खराब हो जाएगा अगर मैं, पता क्या करती थी, पता क्या करती थी, मैं इसके डेस्क पे जाता था ना जब बात करने के लिए, तो कहती थी मुझे धक्का मार देती टीचर आके, मैंने कितनी गंदी कोई तरीका है, मैं चले जाऊंगा, खराब करने आता था इसलिए। अच्छा तेरा टाइम, मेरा इंटरेस्ट नहीं होता था बिल्कुल, मेरे को ये होता था कि मैं अगर इसके ग्रुप या इसके संगति के साथ रहूंगी तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, और मेरे को बिल्कुल टीचर्स भी वैसे देखने लग गए थे, अभी बताता हूँ रुक, बिल्कुल वैसे ही देखने लग गए थे, अभी बताता हूँ, इसका मतलब तुषार की संगति खराब थी। हाँ अभी बताता हूँ, मेरी खराब संगति में ना, मेरे खराब संगति में ये अपने दुखड़े शुकड़े मेरे को सुनाती थी, शरारती था ये, मेरे कोई दुखड़े ही नहीं थे, मुंह पे उड़ता मुक्का मारूंगा मुंह पे, दुखड़े नहीं थे ये, मुझसे क्लास में बैठे हुए पीठ
पे अपना वो नहीं तूने नहीं किया खारिज करवाता था, तूने नहीं किया। ये तो बहुत ज्यादा लोगों की कंप्लेंट है, तुषार ने सबसे खारिज करवाई अपनी। नहीं नहीं करिश्मा ने स्कूल में नहीं करी, नहीं करी मैंने, करी है करिश्मा प्रूफ। मैंने मैथ्स के टीचर की क्लास में करी है क्योंकि वो पढ़ाता था। बिल्कुल कभी कभी क्लास में तूने खारिज करी है, हो ही नहीं सकते, हम साथ बैठे नहीं कभी। तो फिर कालिका कैसे दोस्त बनी तुषार की? कनिका करिश्मा के थ्रू बनी और आकांक्षा के थ्रू। नहीं ये कट जाएगी। सो कनिका बताएगी आप कि कनिका और तुषार की कैसे दोस्ती हुई। कनिका डोंट स्ट्रेस, मेरे बारे में हमेशा अच्छा ही नहीं करनी, इट बी वेरी ऑनेस्ट। कनिका बता कैसे तुषार कैसे बना फ्रेंड। वैसे तो कनिका और तुषार दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, पर आज एक इतनी अच्छी चीज देखी मैंने जो इतने टाइम से शायद मैंने नहीं देखी थी इन दोनों के बीच में, वो ये आज इवन आई वाज नॉट वेल एंड आंटी भी थकी हुई थी एंड तुषार जो था वो टुकटुक के साथ था। हाँ पीछे रह गया था ना और हम लोग दर्शन करके पीछे रह गया था एंड उसको बाद में जाना था दर्शन करने। सो कनिका जस्ट आई थी हमारे साथ दर्शन करने एंड वो विद इन 2 मिनट्स तुषार के साथ वापस चलेगी फिर से दर्शन करने के लिए सेकंड टाइम। तुषार वो अकेला ना जाए। नहीं सो दिस कनिका का रीजन ये था कि मैं दूसरी बार जाऊंगी तो पहली बार अगर मेरी प्रार्थना नहीं सुनी तो दूसरी बार तो सुनी ले। लड़ाई करनी है उससे, लड़ाई निकालनी। दिस इज अ एफर्ट एंड ये जो होते हैं ना क्लोजेस्ट फ्रेंड, बेशक तुम लोगों की इतनी बात नहीं होती। पता कनिका को मेरे साथ भगवान के साथ अलोन टाइम चाहिए था। मेरे भगवान कनिका ऐसा तो बात रिफ्यूज कर रही है। चलो बंद करते हैं इस टॉपिक को, आज हमें बहुत सारी बातें बताते नहीं, बाकी बातें बाद में पूछेंगे। तो दोस्तों काफ़ी रात हो गई है, हम लोग यहाँ पर डिनर के लिए रुके हैं और डिनर का ऑर्डर कर रहे हैं। डिनर करने के बाद हम लोग वापस निकलेंगे अपने अपने घरों को और घर पहुँचते पहुँचते हमें 3 बज जाएंगे। तो दोस्तों मैं इसी के साथ अपना आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू ऑल।